Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजेनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे हमारे जो विंडोज सिस्टम है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें FL Studio को रन करने के लिए। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम था कि जब मैं FL Studio विंडोज में चलाता हूँ तो बहुत प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किया, जब इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लेता है FL Studio। बहुत सारे मतलब ट्रबल शूट करने के बाद, बहुत सारे गलती के बाद हम लोग मैं बेसिकली जो है बहुत सारे गलती के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा, यार मेरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए और ऐसा रखना चाहिए, साफ रखो सिस्टम ताकि आप जब काम करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहले तो मैं अपना सिस्टम के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ आप लोग को मेरा सिस्टम कैसा है और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि बहुत हमारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते थे कि मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा ही है। ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो है पीसी जो है ऑलमोस्ट 9 से 10 साल पुराना है। हाँ, मैंने अपग्रेड किया थोड़ा बहुत, जैसे मैंने उसमें एसएसडी डाला इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क जो है, जो पुराना हार्ड डिस्क था उसको मैंने ज़्यादातर जो है उसका मेरा बैकअप ड्राइव करके कर दिया, और मैंने रैम थोड़ा बढ़ा दिया, और एसएसडी और रैम बढ़ाने पे ही मेरा सिस्टम थोड़ा और फास्ट हो गया। एक्चुअली बस ये दो चीज़ है जो मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है। और एक और चीज़ मैंने जो किया है कि मैंने इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो 2 मॉनिटर वाला कर दिया, क्योंकि मेरा जो सिस्टम था उसके हिसाब से मेरे को ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो छोटा सा टावर वाला था, बड़ा टावर वाला नहीं था मेरा सिस्टम, तो उसके कारण मुझे बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहा था, और पुराना मदरबोर्ड था उसके कारण मेरे को जो मैक्सिमम हो सकता है 2GB वाला जो ग्राफिक कार्ड है वही मिला, 2GB या 1GB का ग्राफिक कार्ड है मेरा। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, यह है मेरा डेस्कटॉप, और इसमें अभी मेरा जो पीसी है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा प्रॉपर्टीज़ में। तो ये रहा मेरा सिस्टम का पूरा इन्फॉर्मेशन। विंडोज 10 का एडिशन, होम वाला एडिशन मैं चला रहा हूँ, और मेरा प्रोसेसर है इंटेल आर कोर TM i5 2300 CPU है, 2.80 GHz वाला है मेरा, ठीक है। और इंस्टॉल मेमोरी 22GB, जो मेरे पास इधर उधर पड़े हुए थे तो इसलिए 22GB दिखा रहा है, 16GB था, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मेरे पास 2 8GB का मेमोरी है मेरे पास, रैम है, और उसके बाद बाकी जो था मैंने अपने इधर उधर से जो पड़ा हुआ था उसमें 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, और आप देख सकते हो इसमें। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा डिवाइस मैनेजर में, डिस्प्ले अडैप्टर है ये GT730 का, ये मैंने अपग्रेड किया था, इसके साथ नहीं आ रहा था, GT730 नहीं था मेरे पास, और उसके साथ ये जो डिस्प्ले अडैप्टर है इसमें मेरे को एक्चुअली 2 मॉनिटर का आउटपुट मिला, तो मैं 2 मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, उसके कारण मैंने अपग्रेड किया था कि मैं 2 मॉनिटर यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। और मेरे पास कीबोर्ड तो मैं वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, माउस मेरा वायरलेस नहीं है, मेरा वायर वाला है माउस जो नॉर्मल है। मॉनिटर्स आप देख सकते हो, मैं 2 मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, एक LCD वाला और एक LED वाला, मेरा वाइड स्क्रीन है वो वाइड स्क्रीन वाला यूज़ कर रहा हूँ। और नेटवर्क अडाप्टर्स में मैंने एक वायरलेस वाला एक LAN ये लगाया हुआ है USB, जो 5 GHz का स्पीड तक मिलता है मेरे को, क्योंकि इसमें इंस्टॉल नहीं था वायरलेस, तो मेरे को वायरलेस वाला मेरे को एक्स्ट्रा लेना पड़ा। और बाकी सब जो मेरा सिस्टम जो स्टोरेज का है, एक मिनट, प्रोसेसर देख लीजिए आप मेरा, मैं दिखाता हूँ प्रोसेसर, ये देखिए, यह है मेरा प्रोसेसर i5 वाला, आप देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा इमेजिंग डिवाइस, तो मैं अभी ये वाला एक वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ जो लॉजिटेक का C922 प्रो स्ट्रीम वेबकैम है, ठीक है। और स्टोरेज का यूनिवर्सल तो नॉर्मल, इसमें USB का मेरे पास 6-7-8 USB पोर्ट है इसमें, और एक्स्ट्रा और भी यूज़ किया हूँ मैं इसमें USB पोर्ट। और मेरा जो डिस्क ड्राइव है देख लीजिए आप, ये वाला है मेरा जो SSD का है, CT1000MX 500 SSD, तो ये SSD से बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा है मेरा PC का, तो आप सोच सकते हो इसमें ही बहुत फ़र्क पड़ गया था मेरे को। तो ये है मेरा एक्चुअली सेटअप जो है दोस्तों। अभी मेन चीज़ लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, यार सिस्टम स्लो क्यों होता है। अभी मैंने जो सिस्टम यूज़ कर रहा है मेरा बहुत ही ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो बहुत ही फास्ट है। मैं आप लोगों को मेरा इंटरनेट स्पीड भी दिखा देता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, जो दुबई में हम लोग को इंटरनेट स्पीड मिल रहा है, यह है speedtest.net। ये देखिए मेरा कितना जल्दी सिस्टम खुलता है बेसिकली ब्राउज़र जो है, और ये रहा हमारा स्पीड, आप चेक कर सकते हो अभी।
ये मेरा लैन में कनेक्टेड नहीं है अभी, ये वायरलेस में चल रहा है। कभी कभी मेरे को 200 तक भी मिलता है, 220 भी मिलता है, लेकिन मेरा जो डाउनलोड स्पीड है 250 Mbps है और अपलोड जो है 100 तक मिलता है अगर मैं लैन में कनेक्ट करूँगा तो। अभी ये वायरलेस जो कनेक्ट किया मैंने 5 GHz में चल रहा है, लेकिन कभी कभी मेरे को 200 भी मिल जाता है मेरे को। तो यह है मेरा डाउनलोड और अपलोड स्पीड, आप लोग देख सकते हो। बहुत लोगों को उत्सुकता हो रहा था कि यार कैसे क्या है आपका जो काम करने का तरीका है, स्पीड है, ये सब आप देख सकते हो। यह है हमारा स्पीड जो अभी मिल रहा है, लेकिन मेरे को इससे भी ज़्यादा मिलता है, मेरे को 250 और 100 तक मेरे को मिलता है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, अभी मैं मेन चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना सिस्टम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके रखना है FL Studio चलाने के लिए, तो सबसे पहली बात तो मेन चीज़ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सेटिंग्स में जाइए, यह है विंडोज सेटिंग, ठीक है, सिस्टम में जाइए आप, मैं आपको मेरा सेटिंग दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से आप करना है तो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब सिस्टम में चलेगा, मैंने बताया मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, SSD है मेरा और रैम भी मेरा ऑलमोस्ट 22 GB का रैम है, तो उसके हिसाब से मेरा साउंड में मेरा भी जो है माइक्रोफोन जो है M-Audio Fastrack उसका उसमें चल रहा है। अभी ये नोटिफिकेशन में मैंने सब ऑफ कर दिया दोस्तों, ये देखिए आप, ये सब बेसिकली बहुत सारा सिस्टम का रिसोर्सेज लेता है। मेरा नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा है मैंने, फोकस असिस्ट जो है मेरा ऑफ है, ठीक है, पावर एंड स्लीप में मैं हमेशा ये नेवर में रखता हूँ, ये सब मैंने ऑफ, बिकॉज ये एक्स्ट्रा मेमोरीज लेता है ये सब इसके लिए। स्टोरेज का जो है बेसिकली इधर मेन चीज़ होता है, देखिए अभी कैलकुलेशन चल रहा है, मैंने पिछले बार किया था, हर हफ्ते मैं ये क्लीन करता हूँ। मेरा 500 GB का जो है SSD है और 1 TB का मेरा एक्स्ट्रा एक और ड्राइव है। ये स्टोरेज में जो है, ये स्टोरेज कंसेंट्स ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ स्पेस बाइज, ये मैं ऑफ में रखता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली अकेला अपने आप करता हूँ, ऐप्स एंड फीचर्स मैं छूता नहीं हूँ। ये जो टेम्प्रेरी फाइल्स देख रहे हो अभी आप मेरा, जो कि अभी ऑलरेडी एक हफ्ते के बाद अभी मैं आया हूँ, तो आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में मेरा ऑलरेडी बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़ा हुआ है, लेकिन टेम्प्रेरी फाइल्स में जो है आप देख सकते हो अभी ये स्कैन कर रहे, देखो बहुत जल्दी मेरा स्कैन हो रहा है, बिकॉज जब से मैंने SSD किया है, नहीं तो नॉर्मल हार्ड डिस्क होता तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता। अभी देखिए मेरे डाउनलोड्स के अंदर 30 GB है जो मेरे को ऑलरेडी क्लियर करना है। आपको मालूम है हम लोग प्रोड्यूसर्स हमेशा VSTs और प्लगइन सब डाउनलोड करते रहते हैं, तो ये सब मेरे इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये मैं आज सफाई करूँगा, ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा मेरे जो नॉर्मल इसमें, ये सब हमको नहीं चाहिए। देखिए टेम्प्ररी और रिसाइकल बिन जो है मैं क्लीन कर दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ। अभी थंबनेल्स देखिए, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स आर फाइल्स वी प्रीवियसली डाउनलोडेड ऑन ए कंप्यूटर, अगर ये नहीं चाहिए ये भी डिलीट कर सकते। टेम्प्ररी इंटरनेट फाइल्स देखिए, ये सब, तो अभी मैं इसको जो है अभी टोटल जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अपना कंप्यूटर को साफ रखिए दोस्तों, और ये जो 30.1 GB का जो अभी इधर दिखा रहा है, मैं सबसे पहले अपने डाउनलोड में चले जाता हूँ। मेरे डाउनलोड जो है ये देखिए, ये सब भरा पड़ा हुआ, इतना सारा हमने जो लिया हुआ है, तो मैं इसको Ctrl+A Ctrl+X, ठीक है। अभी मेरा देखिए लोकल डिस्क D जो है मैंने एक बनाया हुआ है, नॉर्मली मेरा जो इसमें मैं डाल देता हूँ फोल्डर, मैं इसको लिख दूंगा बैकअप डाउनलोड। हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता, बिकॉज वो मेन आपका मेन ड्राइव है आपका, तो उसमें हम लोग आज 23 तारीख है, तो 23/04/2020, तो इस डेट का मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और इसमें Ctrl+V। अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ तब तक ये हो रहा है मेरा ये, तो आप ज़रा वेट कीजिए जब तक ये डाउनलोड और ये हो जाएगा। मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाद में। अभी दोस्तों मेरा जो है ये ऑलरेडी मैंने बैकअप में ले लिया, तो आप देख सकते हो मेरा जो बैकअप ऑलरेडी हो चुका है इधर, तो वो बैकअप ले लिया मैंने। अभी इसको बंद कर देते हम और वापस हम लोग खोलेंगे हमारा सेटिंग्स, और मैं वापस चलूँगा और एक और बार मैं जो है इसको ये कैलकुलेट करेगा टेम्प्रेरी फाइल्स। अभी डॉक्यूमेंट्स में मेरा जो है 40 GB दिखा रहा है। अभी वापस मैं जो है डॉक्यूमेंट्स ज़रा चेक कर लेता हूँ, व्यू डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारा मेरा जो है ऑलरेडी उल्टा सीधा बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्योंकि मैं ज़्यादातर यूज़ करते रहता हूँ, तो वो मैं बाद में क्लियर कर लूँगा। 40 GB तो नॉर्मल होता ही रहता है। अभी आप देख सकते हो अभी ऑलरेडी मेरा देखो ये कम हो चुका है, इधर सिस्टम थोड़ा और मेरा जो है फ्री हो गया बेसिकली। अभी उसके बाद जो है हमारा स्टोरेज के बाद एक टैबलेट मोड है,
ये सब जरूरत नहीं हमको, तो ये सब मैं बढ़ा रहा हूँ आपको टैबलेट मोड। टैबलेट मोड तो मैं यूज़ ही नहीं करता, तो ये मैं ऑफ ही कर देता हूँ। ये यूज़ डेस्कटॉप मोड डाल दीजिए एंड आई साइन इन, डोंट आस्क मी एंड डोंट स्विच। ये पूछ रहे थे डिवाइस ऑटोमेटिकली स्विच टैबलेट मोड, ये डोंट आस्क मी एंड डोंट स्विच, ठीक है, बिकॉज हमारे डेस्कटॉप मोड है। मल्टीटास्किंग देखिए, मेरा स्नैप विंडोज, मैंने स्नैप विंडो ऑटोमेटिक साइज ये सब मैं ऑन रखा, लेकिन ये टाइमलाइन जो है मैं इसको ऑफ करके रखा, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लेता है वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए सब। और प्रोजेक्टिंग टू पीसी, दिस पीसी कैन बी डिस्क्वायर प्रोजेक्शन व्हेन इट्स प्लग इनटू इन पावर सोर्स, तो ये भी मैं प्रोजेक्टर यूज़ नहीं करता, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, मैंने देखा नहीं था ये भी, ठीक है। ये लिखा मैंने ऑलवेज ऑफ, आस्क प्रोजेक्ट टू पीसी एवरी टाइम आई कनेक्शन इज रिक्वेस्टेड, ठीक है, ये सब ऐसे रख लीजिए, ऑफ कर लीजिए आप इसको। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, शेयर अक्रॉस डिवाइसेस, मैं शेयरिंग करता हूँ तो मैं इसको ऑन रखता हूँ, क्योंकि मैं फोन्स में कभी कभी शेयर कर लेता हूँ अपना, ठीक है। क्लिपबोर्ड देख लीजिए, ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ऑफ किया हुआ मैंने, रिमोट डेस्कटॉप तो मैं यूज़ ही नहीं करता तो वो ऑफ है। तो ये हो गया दोस्तों मेन सेटिंग जो हो गया। अभी सिस्टम कॉन्फ़िग में मेरा सेलेक्टिव स्टार्टअप में है ये, ठीक है, इसमें लोड सिस्टम डिवाइसेस, लोड स्टार्टअप आइटम्स, वो मैंने किया हुआ है। बूट मेरा नॉर्मली आप देख सकते हो, नॉर्मल बूट है। टाइम आउट जो 30 सेकंड का लगा हुआ है मैंने, ठीक है। सर्विसेज में अभी आप देख सकते हो मेरा क्या क्या है इसमें। अभी बहुत सारे जो सर्विसेज हमारा चलता रहता है, देखिए स्टेटस जो है आप देख सकते हो मेरा जो है अडोब का चल रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं उसमें मैं अडोब का सर्विस यूज़ करता हूँ। ये सब मेरा अभी चल रहा है। जो स्टॉप वाला सर्विस है देखता हूँ मैं, मैंने कौन कौन सा स्टॉप किया हुआ है, बिकॉज मुझे खुद याद नहीं अभी कौन कौन सा मैंने स्टॉप किया हुआ, जो मेरे को नहीं चाहिए था। देखो सेलुलर टाइम जो है ये सब मेरे को चाहिए नहीं था, बैकग्राउंड इंटेलिजेंट सर्विसेज, तो ये सब आप देख सकते हो। आपका सिस्टम का अलग होगा, मेरा सिस्टम का अलग होगा, तो इसके हिसाब से मैंने जो सर्विस मुझे नहीं चाहिए वो स्टॉप किया हुआ है। स्टार्टअप में तो टास्क मैनेजर खोलता हूँ मैं, प्रोसेस आप देख सकते हो मेरे जो चल रहा है अभी, OBS जो है अभी मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का जो चल रहा है उसके ऊपर है। और परफॉर्मेंस आप देख सकते हो अभी भी मेरा जितना चल रहा है 30% 28% कुछ यूटिलाइज चल रहा है मेरा सब सॉफ्टवेयर चलने के बाद, और अभी मेरा सिस्टम में भी उतना ही दिखा रहा है, 25-26% ही चल रहा है। इतना अभी मेरा ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, बाद में ये डालने का मेरे को। और स्टार्टअप में ये देख सकते हो आप, मैं अभी एक और बार देख रहा हूँ क्या क्या मेरे को स्टार्टअप चाहिए। ये मेरे को LG हब चाहिए नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए नहीं है। उसका प्रायोरिटी जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं बाद में। तो बाकी सब ये जो एनेबल्ड है देखिए, बहुत ही कम एनेबल्ड है, आपका देख लीजिए कितना कितना एनेबल्ड है। इधर मेन चीज़ होता है दोस्तों सर्विसेज का। अभी देखिए कितना मेरा प्रोसेसिंग जो है रनिंग चल रहा है, तो इसमें से बहुत सारा मैंने ऑलरेडी स्टॉप किया हुआ है। मैसेजिंग सर्विसेज ये सब आप देख सकते हो, मेरे को ये सब का ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक एक करके मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। ये देख सकते हो आप। उसके बाद हम लोग जाएंगे व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आप देख सकते हो इसमें मेरा जो मेन चीज़ है विजुअल इफेक्ट, ये परफॉर्मेंस में जो है मैंने ये सेटिंग्स जो है बेसिकली कस्टम में रखा हुआ है, ठीक है। पहले मैंने एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद मैंने कस्टम्स किया था। कस्टम में जाके मैंने जो मुझे चाहिए था, यूज शो विंडो कंटेंट्स वाइल ड्रैगिंग, ठीक है, शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकॉन्स, और शो एक मिनट, शो टास्क बार थंबनेल प्रीव्यूज, ये मेन मैंने तीन ये किया हुआ है। और यूज ड्रॉप शैडोज फॉर आइकॉन लेबल ऑन द डेस्कटॉप, स्मूथ एज ऑन स्क्रीन फॉन्ट्स, ठीक है, बस इतना ही मैंने ये किया हुआ है, बाकी अप्लाई कर दिया मैंने और ओके कर दिया। और एडवांस में भी आप देख सकते हो प्रोग्राम्स एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर प्रोग्राम्स मैंने किया हुआ है। और आपका ये पेजिंग साइज देख लीजिए, डाटा का जो पेजिंग साइज है वो देख सकते हो आप, तो मेरा ऑटोमेटिकली में पड़ा हुआ है ये, ठीक है। अभी जाएंगे हम गेमिंग में, आप देख सकते हो मैंने गेमिंग का पूरा ऑफ किया हुआ है, मैं गेमिंग यूज़ नहीं करता इसमें, तो मैं गेमिंग का पूरा ऑफ किया हुआ है। फिर उसके बाद ईज ऑफ एक्सेस ये देख सकते हो, जो ट्रांसपेरेंसी ये सब मैं एक्चुअली यूज़ नहीं करता, मेरे को ईज ऑफ एक्सेस का मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो ये रहने दीजिए आप, जो ट्रांसपेरेंसी इन विंडोज़, बिकॉज हम लोग को कभी कभी पीछे देखने का ज़रूरत पड़ता, तो उसके लिए वो रखा हुआ है। फिर प्राइवेसी का मैंने सब कुछ ऑफ करके रखा हुआ है।
तो दोस्तों ये मेन सेटिंग है मेरा बेसिकली, मैंने ज़्यादा कुछ उंगलबाजी इसमें किया नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरा जो है सिस्टम थोड़ा आगे से साफ रखूँ। अभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये सब उल्टा सीधा मेरे कुछ भी भरता रहता तो मैं उसको क्लीन करते रहता हूँ। तो दोस्तों बस आज इतना ही मैं आपको दिखाना चाहता था, मेरे जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन था और सेटिंग था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। बहुत लोग पूछ रहे थे मेरा सेटअप क्या है और मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेरे सिस्टम का पूरा यू नो स्पीड क्या है वो सब, तो आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं अभी भी i5 प्रोसेसर ही यूज़ कर रहा हूँ। i7 आ गया, i9 आ गया, अभी बहुत सारा थर्ड जनरेशन, पता नहीं कौन कौन सा जनरेशन आ गया, लेकिन अभी फ़िलहाल उतना पैसा नहीं है ख़रीदने के लिए तो मैं इसी में ही चला रहा हूँ। ये बहुत ही काफ़ी है मेरे लिए और इसमें भी म्यूज़िक बन जाता अपना थैंकफुली। ऑफकोर्स अगर थोड़ा पैसा आएगा तो डेफिनेटली मैं एक i7 या i9 वाला प्रोसेसर लूँगा आगे जाके, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी हमारे चलाने के लिए। तो जो भी आपके पास हो आप इस्तेमाल कीजिए, चलाइए, थोड़ा विंडोज़ को अपना जो है ऑप्टिमाइज रखिए। हफ्ते में एक बार सफाई कीजिए, जैसे घर का सफाई करते हो वैसे ही अपना जो सिस्टम है उसका भी सफाई कीजिए। अनवांटेड जो है चीज़ें इधर उधर ना रखिए, क्योंकि वो ज़्यादा ही जो रनिंग जो आपका डिस्क स्पेस है उसमें ना रखिए, बिकॉज वो ज़्यादा ही फिर फ्रैगमेंटेड हो जाता है, समझ गए आप। तो वो अगर आप अपना हार्ड डिस्क या दूसरा डिस्क है एक्सटर्नल डिस्क है उसमें डाल सकते हो बैकअप, वो रखिए, ठीक है। तो बस इतना ही बोल के आज मैं चलता हूँ आज के लिए। दोस्तों जो भी नए लोग हैं हमारे, जो लोग हैं ये चैनल में आए, जो हम लोग इधर बेसिकली म्यूज़िक सिखाते हैं ज़्यादातर FL स्टूडियो में, और सॉफ्टवेयर के बारे में और ऑडियो इंजीनियरिंग के बारे में सिखाते हैं हम लोग, और म्यूज़िक नॉट ओनली FL स्टूडियो, डेफिनेटली म्यूज़िक के बारे में भी हम लोग सीखते हैं, कॉर्ड्स हो गया, स्केल हो गया, हर चीज़ के बारे में हम लोग सीखते हैं, कन्फ्यूजन हम लोग दूर करते हैं आपस में इधर। तो कोई भी नए लोग हो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाइए ताकि जब भी मैं लाइव आता हूँ या जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आपको पता चले। और जो भी जो मेंबरशिप लेना चाहते हो नीचे ज्वाइन बटन आ चुका अभी हमारा, और आप मेंबर बन सकते हो। महीने में एक छोटा एक सा एक फीस रहेगा, और जो भी है उधर डिफरेंट लेवल्स है उसके हिसाब से आपको मेंबरशिप आप ले सकते हो, और उसके हिसाब से मैं आपको एक्सक्लूसिवली सपोर्ट भी दूंगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना बोल के अभी मैं चलता हूँ, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।